जेडीयू नेता स्वर्गीय सुरेंद्र पटेल के बेटे राहुल हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। आपको बताते चले कि 3 अप्रैल को जेडीयू नेता के बेटे राहुल का अपहरण फिरौती के लिए कर लिया गया था, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया उसके हत्या के मामले में। जब फिरौती नहीं दी गई थी तो राहुल की हत्या कर उसके शव को खेत में फेंक दिया गया था और सिवान एसपी ने यह बयान दिया था कि राहुल की हत्या फिरौती के लिए ही की गई है। लेकिन इन सभी बातों पर विराम लगाते हुए राहुल की मां ने जो मामला सामने लाया है वो चौंका देने वाला मामला है। राहुल की मां ने सीधे तौर पर यह कहा है कि यह मामला फिरौती का नहीं था, क्योंकि हमारे पति की सन 2006 में हत्या कर दी गई थी राजनीतिक साजिश के तहत। कहीं ना कहीं जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है हत्या के मामले में, उनके पीछे किसी बड़े लोगों का हाथ है और उनके ही द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम किया गया है। हालांकि राहुल के परिवार वाले और उसकी मां ने सीधे तौर पर जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जेडीयू के विधायक श्याम बहादुर सिंह मामले को रफा दफा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ राहुल की शव जलाई जा रही थी तो दूसरे तरफ महादेवा ओपी थाने में जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह पहुंच कर और मामले को रफा दफा करने में लगे थे। पार्टी के लिए हम लोग सब कुछ अपना निछार कर दिए। मेरे पति की भी हत्या 2006 में करा दी गई, उसके बावजूद भी एक 11 माह के बच्चा को लेके मैंने पार्टी के लिए दिन और रात आप लोग के सामने मेहनत करती रही। मैंने कभी मुड़ कर भी नहीं देखी इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन आज पार्टी के हैं लोग विपक्ष का सहयोग कर रहे हैं, ये सुनकर मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए इस दुनिया में अब कोई नहीं है। खसक गई, मैंने पूरे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो विधायक जी के लिए अपनी जान देने की तैयार हो जाती थी, आज वही मेरे विपक्ष में कैसे सहयोग करेंगे। मेरे पास एक ही ऑप्शन जीने का था, वो मेरा बच्चा, वो भी छीन गया। उसके बावजूद भी उनका कलेजा नहीं फटा, मेरे को नहीं देखे कि उसका सहारा सब कुछ चला गया और विपक्ष के लोगों के साथ वो सहयोग में कैसे जुट गए। हम लोग सारे परिवार के लोग एक साथ होकर के हम लोग मुख्यमंत्री के पास आपदा करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अब नहीं मुझे जीने। अभी थाने पे जाके बैठे हुए थे, बताइए मैं क्या बोलूं। मेरे भी आदमी वहाँ गए थे तो उन लोगों से तो बोलना चाहिए, बच्चा तुम लोग क्या आया है नहीं आया है, इन लोगों से तो कुछ बात करना चाहिए। ज्योति के लिए मेरे बच्चे को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैं जिला पार्षद रही हूँ, सभी लोग जानते हैं इसके पास कुछ नहीं है। जिला पार्षद में क्या फंड है आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, उसके बावजूद भी आज मैं जिला पार्षद, पूर्व जिला पार्षद रही हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मेरी पैतृक संपत्ति है, मैं पूरी संपत्ति भी अपनी बेच दूंगी तो मेरे पास 50 लाख रुपया कभी नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को पालन पोषण के लिए सब कुछ 5 रुपया जो नहीं दे सकती, वो अपने बच्चे के लिए 50 लाख रुपया कहाँ से दे सकती है। मेरा परिवार संयुक्त है, सब लोग मिलकर मेरे बच्चे को पढ़ा रहे थे। मैं चुपचाप उसी दिन का प्रतीक्षा कर रही थी कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, अब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा। लेकिन बड़ा होने के पहले मेरे गोद को लोगों ने उजाड़ दिया। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि फिरौती अगर नहीं है तो फिर क्या मामला आपको लग रहा है? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने इसके पीछे कोई ना कोई जड़ है जिसके माध्यम से मेरे बच्चे को मेरे रास्ते से हटा दिया गया है, मेरे गोद से हटा दिया गया है। मेरे घर को उजाड़ने का किसी का मकसद है, इस जड़ तक आप लोग को पहुँचने का काम है। मैं नहीं बता सकती कि इसका जड़ क्या है, लेकिन मुझे पूरे मेरे दिल का यह एक बच्चे की माँ की आत्मा कह रही है कि जो जो लोग हत्या रहा है वो लोग को कोई विशेष ज्यादा उम्र नहीं है, जो लोग की हत्या कर ही सकता है उसके पीछे जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र होगी। राहुल के परिजनों का यह भी कहना है कि विधायक श्याम बहादुर सिंह हम लोग के ऊपर काफी दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से उनका दबाव बन रहा है उससे अब उनके पर शंका जाहिर हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह का अपराधियों से साठगांठ है। राहुल की मां ने यहां तक कह डाला कि जिसके लिए हमारे पति की हत्या की गई, जिसने जेडीयू को सींचने का काम किया और मैं भी उसी पार्टी में आज हूं और इसी पार्टी के जेडीयू विधायक इस तरह का काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस तरह का काम विधायक जी कर सकते हैं। नीतीश सरकार का दावा है ना हम किसी को बचाएंगे ना किसी को फंसाएंगे, तो उन्हीं का जो विधायक हैं बड़रिया के श्याम बहादुर सिंह, उनको इस मामले में पड़ने की क्या ज़रूरत है? उनके जो अभियुक्त हैं उनके परिजनों के साथ वहाँ के थाने में उसी दिन जिस दिन मृतक राहुल का शव जलाया जा रहा है उसी दिन वहाँ पे पहुँच रहा है, इसका क्या मतलब है? इस
केस को माने डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है कि सामने अस्पताल में रो रहे हैं और यहाँ पे आके दरवाजे पे रो रहे हैं और उसी दिन वहाँ पे जाके एंटी आदमी जो है मुजरिम उनके परिजनों के साथ पैरवी कर रहे हैं, तो उनकी मंशा तो साफ झलक रही है ना कि वो क्या चाहते हैं इसको क्या। तो ऐसा लग रहा है कि फिरौती के लिए अपहरण नहीं हुआ है, इसके पीछे सुपारी किलर जो है कहीं ना कहीं से इसका, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर CBI जांच इस पे बहाल कर दें तो इस घटना की तह में जाया जाएगा, तो और लोगों का भी नाम आ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब हमने JDU के विधायक श्याम बहादुर सिंह से मिलना चाहा और बातचीत की और सीधे तौर पे उनसे सवाल किया कि इस तरह के आप पे गंभीर आरोप लग रहे हैं कि राहुल के जो हत्यारे हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है और राहुल के परिवार वाले पे दबाव बनाया जा रहा है ताकि इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं वो फंसे नहीं, इस पे आपका क्या कहना है। तो विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप हैं, बिल्कुल निराधार आरोप हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत मेरा नाम घसीटा जा रहा है और संगीता से चुनाव लड़ना चाहती हैं। ऐसे में अगर संगीता पटेल एक बार मुझसे कह दें कि मैं बहड़िया से चुनाव लड़ूंगी तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ। दम नहीं है, बाप अपना बाप के ना छोड़ेला, हमरो आधा औलाद बा, जरा सा भी संलिप्तता पर होई कहीं से भी तो निश्चित रूप से भगवान सजा दी हैं। अब लोग का कहता वो बात के बहुत विशेष खंडन हम नहीं कर सकत, लेकिन दूर दूर तक तो अपराधी के बचाव हमारे कहीं हाथ हुई तो भगवान इंसाफ करी हैं। अभी तो जौन जौन पोलिटिकल करके बनावल जाता लाश पर राजनीति कर जाता, बहुत लोग बेचैनी बा, जल्दी बढ़हरिया खाली होखो धरा के जा चाहे मरा जा कि भाई हम विधानसभा चुनाव लड़ी तो ये कहाँ संभव बा। हम तो अपने सब लोग में घिल घूल मिलकर रहिले, दिलीप के सवाल बा, सचिन के सवाल बा, सब लोग रिश्तेदार हो। अब उनका लड़का इतना पाप जबरदस्त कर दिले बा कि हमने के खुद दिल टूट गई बा, खुद झकझोरा गए मन से हमने के। आ जहाँ तक बात बात में बनावटी रोए के कभी ना शाम बहादुरी काम रहन कैले, मरे के दिन तक ना करी हैं सब लोग रोअल, हम भी कैसे रही। अब उनका जौन जौन कहे के बा कहतारी उनका घर गलो आरोप लगाता उनको हिस्ट्री सीटर घर है, वह लोग के बारे में बहुत कुछ ना कहे अभी हम, जरूरत पड़ी तो कहे कितना सुरक्षित परिवार बात, कितना साफ सुथरा छवि बा लोग के, ये हमू जानता नहीं जवार जानता। हमारा पर उंगली उठाओ महापाप बा, महापाप बा, जो पाप कैले बा ओकरा के हम बचाए तो हमारा जैसा बड़ा पापी कि धरती पर कोई पैदा ना हुई। लड़े के बाद चुनाव किसको, संगीता जी के सिंपैथी खातिर श्याम बहादुर के चरित्र पर अंगुल उठावल जाता कि भाई छवि बर्बाद हो को अगला बार इनका टिकट ना मिलो। नीतीश कुमार से जहाँ तक मिले के सवाल बा, हमार माननीय मुख्यमंत्री जानी ले अच्छा से जानी ले हमारे कि कितना बड़ा हम हत्यारा हई वहाँ का सब जानकारी बा। हम एकदम जरूर कहे अगर कहीं शंका संदेह बा तो CBI से जाँच हो को, निश्चित रूप से जाँच हो को, मुख्यमंत्री से मिलो लो, मुख्यमंत्री जी आदेश दे से गहराई से जाँच कर जाओ, लेकिन हई बेबुनियाद आरोप लगा ना वो लोग के हित में बा, ना जनहित में बा, ना हमारा हित में बा, सरासर पाप बा, पाप में कहीं हमारे जौन जौन आरोप लगाओ हिस्ट्री सीटर अगर अगर उनका लड़ेगा बा हम इतना त्याग कर देने, अगर उनका लड़ेगा बा सच्चाई पूर्व तो हम आज आज त्याग पत्र देते नहीं, आज आज लड़ो सिंपैथी बताइए कितना सिंपैथी बा, हम छोड़ सीट तैयार नहीं करता। वो जाएंगे CM नीतीश कुमार से आपका कंप्लेन करेंगे, बढ़िया नहीं घर ही आत्महत्या करो लोग, चलिए हैं माटी मजल में। आप चाह रहे हैं कि वो लोग घर पे आत्महत्या कर, आत्महत्या करेगा बस क्यों कहीं कर सकेला, इनार में डूबे तो पता हो पड़ी जरा डूबे खोज के ना डूब जाए कहीं कर सकेला आजाद बा, कुछ कर लो कोई बात नहीं के, हमारा चेहरा बस सिकर नहीं के, वो दिन दुख दर्द रहे हे तरह का बयान आयल बा, हे तरह का आरोप हमारा पर लागल बा, आत्मा टूट गई, अब दुख दर्द नहीं है कुछ ना। बहरहाल मामला जो भी हो इतना तो जरूर है कि इस कांड के पीछे कुछ ना कुछ है जो कि अब धीरे धीरे खुलता नजर आ रहा है। परिजनों द्वारा जिस तरह से विधायक श्याम बहादुर सिंह पर आरोप लगाया है ऐसे में अब परिजन CBI जांच की भी मांग करने पर लगे हुए हैं और वो पटना CM आवास भी जाएंगे और नीतीश कुमार से मिलकर सभी बातों से अवगत कराएंगे और अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो ये CM नीतीश कुमार के आवास पर आत्मदाह भी कर लेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि राहुल हत्याकांड को लेकर आगे की कार्रवाई क्या हो पाती है और यह कांड नया मोड़ किस तरह का लेता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ATN लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट।